नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, मुझे उम्मीद है कि आप ये सीरीज एंजॉय कर रहे होगे और आपने कल का कंप्रेशर वाला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लो। और आज हम बात करते हैं एक बड़े क्रूशियल सी चीज के बारे में जिसको कहते हैं ईक्यू। तो ईक्यू से आप किसी भी साउंड का ना स्ट्रक्चर बिल्कुल ही चेंज कर सकते हो। अक्सर साउंड डिजाइनिंग में ईक्यू का बहुत बड़ा हाथ रहता है, इवन कंप्रेसर का भी हाथ रहता है, रिवर्ब डिले या कुछ ऐसा छोटा मोटा इफेक्ट्स का। बट ईक्यू से आप ड्रास्टिकली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आज हम छोटा मोटा थोड़ा बहुत एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मान लो ये एक किक का साउंड है। अब हम ईक्यू खोलते हैं अपना लॉजिक का और यहाँ पे एनालाइजर पे चेक करते हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व आ रहा है। अब अगर हम 100 हर्ट्ज के आसपास में बूस्ट करेंगे तो किक का थंप आप देखोगे थोड़ा सा बढ़िया और मजेदार क्रिस्पी सा होने लगता है। See the difference? अच्छा खासा audible difference है। दूसरा चीज जो आप ये कर सकते हो कि आप जो ये बेस वाली जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज से नीचे, ये अपना सब बेस या अगर 808 इस्तेमाल कर रहे हो या कुछ वैसा चीज इस्तेमाल कर रहे हो, आप भारी सा बेस गिटार इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके लिए आप सबसाइड कर सकते हो। तो यहाँ से थोड़ा सा आप हाई शेल्फ 48 dB पे कट भी कर सकते हो, उसके बाद भी आपका किक का इतना खास बॉडी लूज नहीं होना चाहिए। बट आपका बेस के लिए, बेस गिटार है, उसको आप एक स्पेस दे सकते हो उस जगह पे, वहाँ पे ईक्यू करके उसका बूस्ट करके, तो दैट विल साउंड नाइस। तो इसके साथ देखते हैं। तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा आपका जो किक का जो पंच है उसमें कोई कमी नहीं है। अब जो बेस गिटार है मान लो, तो ऐसा बेस गिटार को मैं प्रेफर करूँगा, अगर सपोज करते हैं कि बेस गिटार अगर होता तो हम कुछ इसको थोड़ा इस टाइप से ईक्यू करना पसंद करते हैं। और 100 dB के यहाँ, 100 Hz के यहाँ पे, जैसे जहाँ पे हमारा किक है हम उसको थोड़ा काट देना प्रेफर करते हैं। यहाँ पे जो 200 से 500 dB के बीच का जो ये फ्रीक्वेंसी रेंज है जहाँ पे हम वोकल्स या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं रखते हैं, वहाँ पे उसको माइनस में करते हैं कि वो मड़ी सा ना सुनाई दे, उस जगह पे हम थोड़ा सा बेस गिटार को थोड़ा बूस्ट करते हैं और थोड़ा सा यहाँ से ये चीज़ को कट करते हैं। ऐसा करने से ये रूम भी बनाता है बाकी चीज़ों के लिए और आपका बड़े कष्ट से बजाया हुआ बेस गिटार का जो पार्ट है वो अच्छा साफ सुथरा सुनाई। अब ये जो चीज़ें जनरल आउटलुक मैं बता रहा हूँ, मतलब सीधा सीधा यही ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना ना, आपको बस ये ध्यान रखना है। और सिमिलरली आपका गाने को सुनते हुए आपने अगर ड्रम्स को बैलेंस किया है तो ड्रम्स के साथ में वो उसको सुनते हुए थोड़ा बहुत ट्वीक करना है कि अच्छा ये थोड़ा इधर बेस कम है ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो बेस का पैच यूज़ किया हो या अगर आपने लाइव बेस रिकॉर्ड किया, कुछ भी किया है एम्प के थ्रू, कहीं से भी कैसा भी किया है आपने, तो हो सकता है कि उसका टोन ही वैसा हो कि ऑलरेडी यहाँ 50 Hz के ऊपर बहुत ज़्यादा बूस्टेड है, आपको उधर नहीं चाहिए, 100 के नीचे कट चाहिए या नहीं चाहिए, 200 के वहाँ पर ऑलरेडी बहुत उठा हुआ और ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये कर्व जो है आपका, ये यहाँ पे जब एनालाइजर चलेगा तो अपने आप बता देगा क्या है, सुन के भी पता चलता है कि क्या ये मडी साउंड कर रहा है, क्या यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसीज की को कट करने की ज़रूरत है या वो है, तो उस तरीके से आपको देखना है। बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि बेस गिटार्स में थोड़ा सा हम यहाँ पे हाई शेल्फ का इस्तेमाल करें, इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस। अब मान लो कि ये कोई वोकल का पार्ट होता तो हम मोस्टली ये करते हैं कि यहाँ से 100 Hz के नीचे का हमको जो पार्ट होता है वो हमको चाहिए नहीं वोकल्स में, तो हम उसको कट कर देते हैं। मिड्स मोस्टली शायद डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हुआ है, रूम का एम्बियंस कैसा है, उसके हिसाब से हमको ये मिड टोन्स को थोड़ा सा ऐसा शेल्फ करना पड़ता है। और हर आदमी का वॉइस में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होता है तो बेसिकली एग्जैक्टली वो काम नहीं करेगा, बट ये 1000 Hz के आसपास ये वाले जगह पे आपको कहीं पे बूस्ट करके सुन के भी आप ऐसा हाई शेल्फ ऐसा ईक्यू करके भी देख सकते हो कौन सा फ्रीक्वेंसी ऐसा है जो कम लग रहा है, जैसे आप नॉच करोगे। Let's take this for example. See, ये frequency थोड़ा सा कम है इस kick में, ऐसा सुनाई दे रहा है। अगर हम इस kick को भी process करते तो हम थोड़ा सा इसमें रख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप voice को, vocal को भी process करोगे तो आपको वो सुनाई देगा, आपको सुनाई देगा तो आप उस हिसाब से उसको उस जगह पे रख दोगे कि आपका जो पर्टिकुलर वॉइस है उसकी वजह जगह पे यहाँ पे मिड टोन्स में क्या कम है ज़्यादा है। सिमिलरली ये 2000 से 3000 का बीच का जो ये हर्ट्स है यहाँ पे भी आप एक लगा करके अपना इसको शेल्फ करके ऐसा करके देख सकते हो कि यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी ऐसी तो नहीं है जो ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है, कान में चुभ रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली डू अ कट। अगर कोई फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो कम है और उसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा नहीं साउंड कर रहा है तो यू कैन डेफिनेटली डू अ बूस्ट। और इसके बाद में हो सकता है कि यहाँ पे जस्ट टू गिव इट अ एयर
5000 के ऊपर या 10000 के ऊपर थोड़ा सा आपको ये हाई शेल्फ को थोड़ा सा ऐसा बूस्ट करना पड़ रहा है, जिससे वो वोकल्स थोड़ा सा एयरी और विंडी सा उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा निकल के आया, स्पार्कल्स आना। तो ऐसे ही दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको आप फ्लूट वगैरह हो गया, स्ट्रिंग्स, हर इंस्ट्रूमेंट को आप इस तरीके से ईक्यू करके बाकी इंस्ट्रूमेंट के साथ में जेल और बैलेंस कर सकते हो। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप सोलो ना करो इंस्ट्रूमेंट्स को ईक्यू, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सोलो में हमने बहुत अच्छा ईक्यू कर दिया है और उसके बाद जब हम सभी ईक्यू सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक ही फ्रीक्वेंसी में अच्छा अच्छा बूस्ट कर देंगे तो फिर सबको जब हम इकट्ठे बजाएंगे तो फिर वो मफल करने लग जाएंगे, वो आपस में एक दूसरे को मास्क करने लग जाएंगे, स्पेसिफिक उसी फ्रीक्वेंसी जोन के लिए वो फाइट करने लग जाएंगे, तो दैट वोंट सॉल्व आवर पर्पस इन द मिक्सिंग। तो पहले तो आप कोई भी हीरो शॉट ले लो, मान लो कि आपका अगर वॉइस है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप वॉइस ले लो, उसको ईक्यू कर लो और सब कुछ कर लो, उसके हिसाब से बाकी एलिमेंट्स को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना शुरू करो। इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि कोई भी एक जो आपका म्यूजिक के हिसाब से जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है आप उसको पहले शेप अप कर लो और वो कर लो। अब ईक्यू को मान लो कि हमको उसकी तरह यूज़ करना है जैसे वॉइस होता है, उसमें कई बार हम स्पेशल इफेक्ट्स की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखोगे आपने अगर यहाँ पे एक ईक्यू लगाया एंड ये फुल थ्रॉटल चल रहा है, यहाँ पे हमने इसको काटा और इधर लोस भी काटा, सो ये अपने आप में एक शेप है, साउंड है। तुम्हारे दुनियार झपशालो किछु सोंदेर गुरो हवक, तो हो सकता है कि आपको ये जो रिवर्ब डिले या पैन या जो रिपीटेशन वाला आप डिज़ाइन कर रहे हो वहाँ पे ऐसा कुछ चाहिए हो और आपने ऐसा चीज़ लगाया उसके ऊपर में भी आपने रिवर्ब लगाया, कुछ भी इस तरीके का साउंड डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। तो ईक्यू इज़ अ वेरी 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 पावरफुल टूल, आपको डेफिनेटली कोई भी एक स्पेसिफिक ईक्यू टूल को, लॉजिक का खुद का ईक्यू टूल भी बहुत अच्छा है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंट्रोल्स के लिए आप फेयर फिल्टर का Q3 इस्तेमाल कर सकते हो, अभी लेटेस्ट वो चल रहा है फेयर फिल्टर के बंडल में। लॉजिक के अंदर कुछ एनालॉग मॉडल्स वाले ईक्यू भी हैं, लाइक दिस विंटेज ट्यूब वाला, ये मेरे को वाकई में बहुत अच्छा लगता है। आपको बस थोड़ा थोड़ा ये नॉब घुमाना है कि यार थोड़ा लो बूस्ट करके देखते हैं, थोड़ा लो कट करके देखते हैं, वो करके देखते हैं और आपका साउंड बहुत अच्छा सा एक शेप लेने लग जाता है। ड्राइव है इसमें ऑलरेडी, ये एक एनालॉग गियर के ऊपर बेस्ड है तो इसका अपना एक टोन है स्पेसिफिक, तो आप इससे प्रोसेस करके देख सकते हो। ऐसा ही SSL वाला जो मॉड्यूल आता है वेव्स का प्लगइन का बंडल, उसके अंदर भी आप उसको लगाने के बाद ही एक स्पेसिफिक सा टोन आ जाता है, फिर उसके अंदर EQ को कट बूस्ट करके देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग उसमें अलग अलग टाइप के EQs आते हैं तो आप उस तरीके से उसको इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो Once you have nailed the EQ, मेरे ख्याल से आपका 90% mixing का जो major game है वो आपने जीत लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि this video has been inspiring for you guys. अगर ऐसा है तो इसको ज़रूर शेयर करो और मेरे को कैसे पता चलेगा do you even care or not? If you care for what we are doing at this place, तो comment करके हमको बताओ, और अगर आपने वाकई में share किया है कहीं पे Facebook, Instagram कहीं पे, तो do tag me up. तो अच्छा भी लगेगा कि यार चलो यार ये लोग कर रहे हैं और लेट्स इंटरैक्ट, लेट्स कैच अप। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मिशन अ बेटर म्यूजिशियन एवरीडे। अगले वाले वीडियो में हम देखते हैं कि DSR वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं और साइड चेन कंप्रेशन और ऐसी चीज़ों की बारीकियों में थोड़ा सा देखते हैं। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर रोज़ ही एक वीडियो आए, वाकई में मुश्किल बहुत होती है क्योंकि बहुत सारे और कामों के बीच में से कट करके और बहुत सारे और कामों को छोड़ करके तब ये वीडियोस बनाना पड़ता है, और अगर इससे आपको वाकई में फ़ायदा हो रहा है तो वो जान करके खुशी होती है। सो मिलते हैं फिर से कल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।